रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार FIR नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की FIR नहीं लिखनी चाहिए थी? और सो मोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे FIR नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उसमें FIR किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने FIR लिखी है, और FIR ऐसी लिखी है कि वो FIR टिक ही नहीं सकती। किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है? सबसे बड़ा सवाल है, इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली, और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। FIR लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गाँव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहां भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है, क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो, ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो, क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? मासूम बच्चों की हत्या हुई, उस पर क्या कहना आपका? नहीं है सवाल, आपकी नियत का है, और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों अगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे, कभी नौकरी किए थे, आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिया आपने? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहां चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो आप? कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूं और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकती। हो सकता हो कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं, इसीलिए मैंने कहा आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए? उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था, अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों निकला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलती जाके सरकार? मैं आर्थिक सरकार इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद। जमीन का विवाद आपके समय काल से ही चला रहा है। मैं मानता हूँ DM ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई, और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया, और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है, और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। सरकारी जमीनों पर कब्जे आप ही के नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का,
आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे, कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। किसी भरोसे के साथ और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे, उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें, लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप? ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें, मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके, क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। उत्तर प्रदेश के लोग वो घटना भी नहीं भूलेंगे कि जहाँ पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी, आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था, अंततः उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो? इससे ज्यादा घटिया काम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं? सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नियत का है और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे, कभी नौकरी किए थे, आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिए आपने? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहां चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो? सवाल यह नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है, सबसे बड़ा सवाल है इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली, और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती, सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं, FIR लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जान, मैं आपसे कह रहा हूँ आप पत्रकार साथी नहीं, कोई ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूँगा, इस परिवार की हम मदद करेंगे। और मैं सरकार से कहूँगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करे। सर, जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश और समाजवादी कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं
और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं नहीं, बदला की बात बंद करो। अयोध्या भी मंदिर जाएंगे? ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है और न्याय में संतुलन हो ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। खड़ा हो जाइए सर, खड़े चेहरा नहीं आ रहा है। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल टीवी नीचे में डालो ना और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, जैसे आराम से उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना जाना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूं। वो घर और ये घर जहां प्रेम यादव थे दूर था, आखिरकार किन परिस्थितियों में वहां जाना पड़ा उन्हें, क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए। अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है या उसकी नियत मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा तो वो तैयारी से जाता, किसी भरोसे के साथ और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुंचे, उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं, देवरिया गोरखपुर कुशीनगर महाराजगंज वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें, लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप? ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप?
और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की जहाँ एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था।